होस्ट, मैं हूं आरती। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म चायरा नसीमा रेड्डी का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अब लीजिए इस फिल्म के चलते चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। दरअसल 19वीं सदी के किसान नेता ओयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के परिवार के सदस्यों ने चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि चिरंजीवी और रामचरण ने उन्हें 50 करोड़ की राशि देने का वादा किया था, लेकिन अब उनके साथ धोखा किया जा रहा है। यही वजह है कि पांचवी पीढ़ी के दंपति श्री और श्रीमती दस्तगिरी रेड्डी ने समझौते को तोड़ने के लिए चिरंजीवी और रामचरण पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। दंपति के मुताबिक रामचरण ने 23 परिवार के सदस्यों को ओयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की कहानी देने और उनकी शूटिंग के लिए स्थानों के रूप में उनकी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और राशि पर कर का भुगतान करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब इन सदस्यों का कहना है कि मेगा परिवार ने अपना वादा तोड़ दिया है और कोई भी सहमत राशि देने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि जब परिवार के सदस्य इस मुद्दे पर बात करने के लिए रामचरण के ऑफिस पर गए तो उनका दावा है कि मेकर्स ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। बात करें सायरा नरसिम्हा रेड्डी की तो इस फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए है। फिल्म में चिरंजीवी के अलावा बॉलीवुड के एंग्री मैन अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स लगभग 130 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या धमाल मचाती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।